हेलो गाइस, तो मैं खड़ी हूँ बाहर और बाहर सुबह पहले आ रही है बारिश, तो यहाँ के मौसम का मजा ले रही हूँ। मौसम को मजे ले रही थी किधर? काम तो है नहीं आबाद है, काम तो है नहीं, सामान पे लगे तन कोई काम तो छक होना है ना। तू तो थाली बैठी डूमड़ी जाए, तो दोस्तों ये थाली बैठी डूमड़ी जाए तो इन कोई काम तो छक होना है। और यह बारान खड़ी जाए, मौसम को मजे ले रही जाए, और यह बार को वातावरण से देख ही सको जो हरियाली होगी जगह जगह ना, घूमबा लायक जगह तो नहीं यार, उमस में कौड़े घूम जाओ है। तू तू सुने ये चाहिए, ये पेड़ से ना ये हम बेटर वीडियो बना लीजिए, पेड़ कमाए नहीं पेडम ये आजकल सुनील की जिया लाग लगो ए दूध दे है ना रे। तो आजकल एक कड़ा चूक लागे थे आजकल कड़ा चूक लागे जे है ना। मामी तो नानी गणो प्यार करे है ना, एक पली कौन रह सके के बिना। राहुल ना नरो चावल, राहुल ना भी राहुल राहुल खोड़ गयो है ना। हाँ चावड़ा कमी होना है ना। किट्टूडा चुप, पीटूंगा बहुत भयंकर तेरे को, ऐसा नहीं करी दो मेरे को। तो बाहर मत आना है ना, अंदर से गेट बंद कर लो। हाँ जांच कराऊंगा अभी। और आप सबको मेरे चेहरे की रौनक से पता चल रहा है कि अब मेरे पापा की तबीयत फाइनली ठीक है। उस दिन क्या ना, उन डॉक्टर ने थोड़ा सा डरा दिया था कि इनके फेफड़ों में दिक्कत है तो सर्जरी में दिक्कत आ सकती है, इसलिए घबराती है ऐसे भाई होती है। अभी एज भी नहीं है देखो इतनी, और उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है, इतने उनके शरीर में जान भी नहीं। आप सब मेरे पापा को देखते हो मेरे वीडियो की वजह से ना, इसलिए थोड़ी टेंशन है, ऐसे घबराहट रहे, मन ही अजीब सा हो गया था। कल तो सही बता रही हूँ, इतनी बुरी, इतना जी हो रहा था मेरा ना, थोड़ी थोड़ी बात पर रोना आ रहा था। मैं मतलब चिड़चिड़ा सा, ऐसा सिर दुख कर ऐसा हो जाता है ना, वैसा हो रहा है। नहीं अब ठीक है पापा, तो उनको दे देंगे शायद, कल छुट्टी दे देंगे तो वहाँ उनको लेके चले जाएंगे। अब अभी तो मैं क्या ना जा भी नहीं सकती क्योंकि मैंने दो बार तो मैं मिल के आ गई हॉस्पिटल के अंदर। अब तो मैं घर पे जाऊंगी जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी छोड़ के नहीं जा सकते, काम इतना ज़्यादा है कि एक इंसान के बस की बात ही नहीं है भाई एक जना इसको संभाल सके। तो यहाँ पे रहना भी ज़रूरी था इसलिए मैं मिल के आ गई। अब मैं घर पे छुट्टी ले जाने के बाद में एक बार और मिल के आऊँगी पापा से, फिर मेरे मन में और शांति हो जाएगी और मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि कल तो मेरी इतनी से बता रही हूँ ना, ऐसे रहता है ना माइंड टेंशन मेरे, ऐसे चिड़चिड़ा सा, मुझे मेरे से कोई प्यार से भी बोल रहा था ना मुझे झुंझला रही थी, गुस्सा आ रहा था, बार बार रोना आ रहा था, ऐसे अजीब सा ही हो रहा था। अब ठीक है, जिस दिन मैं वहाँ थी हॉस्पिटल के अंदर, वो साल वो गार्ड ऐसा था कि मेरे को, मैंने मतलब सुबह से गई हुई थी, बाद शाम तक सर्जरी हुई, वो कहते छल्ले डले थे ना, तो मैं उसको उनको बोली कि मेरे को दिखा दो एक बार, देख लाने तो दिखाए नहीं। फिर जैसे मैं शाम को मिलने गई अंदर, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर बैठे थे ना सब जानते थे मुझे, तो उन्होंने बोला कि आपके क्या लगते हैं, मेरे फादर आएंगे, आप तो सेलिब्रिटी, आप तो पहले आ जाते, मैं पहले आने का देते थे, इन गार्डों ने मुझे आने ही नहीं दिया। फिर बाद में पता चला कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है ना मेरे पापा की, वो भी मेरे वीडियो देखते थे, उन्होंने मेरे लिए पूछा कि आप मिलाए नहीं, अगर आप यूट्यूब पर थे तो आप मिल के तो उनसे मिलाते, मेरे मतलब जो भी थे वहाँ पे मेरी सिस्टर, उनसे पूछे कि मिलाते। लेकिन पता नहीं था कि डॉक्टर भी, पता रहता तो मैं पहले मिल के आती, और ऐसा था नहीं ना कि भाई आप लोग जानते हो डॉक्टर तो इतने बहुत इतने बड़े थे, स्पेशलिस्ट हार्ट के थे, खंडेवाल चौधरी, पता नहीं संजय चौधरी कुछ नाम है उनका, मैं तो भूल गई ना, तो वो डॉक्टर थे मोनोलिक हॉस्पिटल के अंदर। इतने सारे हैं सब, मम्मी जैसे बोल रहे इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े में मेरे नहीं है, है ही नहीं कपड़े, नहीं मेरे पास, हो ही जाते हैं कपड़े, क्या करें अभी इनका। तो ये जो भी ये थैलियाँ ना, ये थैलियाँ सिर्फ मेरी मेरे कपड़ों की भरी हुई है, बैग है, अभी तो मैंने एक अलमारी को तो छेड़ा भी नहीं है जो साइड में रूम में है, उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं उसके कपड़ों को, क्योंकि वो तो अलमारी में है। और मैं अब फ्री होके कर रही हूँ पार्सल, पार्सल की जो ड्रेसें हैं
तो एक तो ये लहंगा है, ये लहंगा है, इसके ओढ़नी कहाँ गई? इस पे ये वाली ओढ़नी है, देख कितनी सुंदर ओढ़नी। ये है जो ये ड्रेस, एक तो इसको पैक करूंगी, एक ये वाली ड्रेस है, ये वाली ड्रेस है एक, और दो ड्रेस है ये है, ये सेम है दोनों ड्रेस है, एक ये वाली ड्रेस है, खोल के नहीं, एक ये है, मतलब ये सेम जो मैंने पहनी थी ना वो ड्रेस है, एक तो सेम कलर है ये और एक इसका ही कलर है, दूसरा ये वाला कलर है, एक ये वाली और नहीं है, ये पार्सल में पैक होगी। ये वाली ड्रेस है सिंपल सी लहरिया की, डेली यूज के हिसाब से, सादा कपड़ा जो अपन पहनते हैं ना डेली यूज पे हिसाब से घर पे, तो उसमें है, तो ये की ये है, ये इस पे लहरिया की ओढ़नी है सिंपल सी। एक ड्रेस मैंने कल पार्सल लगाई थी उसमें ग्रीन कलर का लहंगा था, ओढ़नी तो यही थी, और एक ही सेम मेरे लिए बनवाई है मैंने येलो कलर का लहंगा और सेम ये ओढ़नी। मेरा तो इतना सा काम फैला हुआ है कि अभी मैं पहन नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने मेरे लिए बनवा की, सिंपल सिंपल अच्छी लगती है, कंफर्टेबल ड्रेस है, तो इसको मैं एक मेरे लिए भी, ये तो पार्सल पे जाएगी, इसको तो मैं पार्सल पे कर देती हूँ, एक सेम ऐसी ड्रेस मेरे लिए बनवाई है तो वो बन के आएगी, तो उसको भी मैं फिर पहनूंगी, थोड़ा सा फ्री होंगी ना जल्दी से, मेरे को मौका मिल जाएगा ड्रेस पहनने का, तो पहन के इसको वीडियो बनाऊंगी। और लहरिया की ड्रेस आने वाली है लेटेस्ट, जो भी डिजाइन है आपको जिसको भी चाहिए तो आप जरूर से मैसेज कर देना। बारिश आ गई, बारिश आ गई। मदरसा ही को कलर दिखा दी, दोस्तों अंडी की रसोई थे भाई दोस्तों, ये माँ की वो रसोई मतलब कलर पेंट है रही है मम्मी, है ना मम्मी? तो फाइनली ये रसोई ने तो खाली कर दिया हमें, कहाँ आ रही थी अपने है, तो आज बहुत सुंदर लग रही है हकीकत में, तो आज सेम केसन तक जी जी लाग रही थी हकीकत में। तो दोस्तों माँ माँ केसन तक जी जी से लाग रही, चाहे कौन लाग रही कमेंट्स कर जरूर बताइए, है ना? बरसात रुक रही गुन माँ, तो बहुत भयंकर बरसात आ रही है, कौन कहीं ये बेलड़ी कहीं की जामना परमल कात्री खुआ लिए तो खूब है ना ये बेलड़ी, तो बरसात आ गई रही भाई, चाय बना तो फाइनली दोस्तों याद देखो ये माँ की कैसी रसोई है, दूसरी वाली स्टोर जिनमें स्टोर बना रखे जब वाली रसोई है यार, ये देखो कलर पेंट शानदार लाग रही है, कौन लाग रही हो उंडा आपका है जो उंडी की रसोई ने खाली कर दिया यार, अंडी की मैन कर बुला कौन कही आज बनाओ ना ये मैं खाना, पहली ये हुई थी तुम पता हो तो शादी तो पहली यार रसोई मैंने भी कोई देखी थी, भाभी ने भी कोई देखी थी, उससे पहले आपने यूज किया, भाभी कहीं देखी थी, भाभी इन देखी थी नहीं देखी, ये बात मान मैंने आज पूछा था उनसे, कहीं वैसे बोल रही मैं इसी में इसी में इसी को यूज ले गया था, तो मैं तो बोल सकता नहीं, मैं तो आई को छोड़ आई मम्मी जी सुन ले तो करो खा ले ना, वो ऊपर जी गए थे ऊपर जी जूता बोल रहे हैं, तो आज हम आ गए हॉस्पिटल में यहां पे, तो आज फाइनली पापा को छुट्टी दे देंगे, हंस रही है, हंसा मत, सही होगा यहाँ के पिताजी जी से हंस रही है ना, बिल्कुल सही है ना, तो देखो बॉम्बे से बाबू भी आ गया मिलने बेचारा, दो फ्लाइट मिस करके बाबू आ गया, क्या नाम जी को कीका है, कीका कीका फाइनली इसका नाम कीका है, सुनो कीका आते ही नाम भी ठीक हो गए, कीका ही तो डाल देगी स्टेटस में नाम, टीका नहीं कीका, कीका नानो के साथ पास ये भी आ गया, ये बिट्टू और ये कीका ही डाल देगी नाम कीका, पापा ठीक है फाइनली, मैं देखो सर
तो दोस्तों अब छुट्टी विट्टी मिल रही है तो अब जा रहा है थोड़ी देर में निकल जाओ लांडा सो माया के पिताजी। तो बहुत था को लाख लाख शुक्र जो थे भी काफ़ी ज़्यादा थे मैसेज करया कि जल्दी स्वस्थ हो जावे तो था कि मनोकामना पूरी होगी जल्दी स्वस्थ होगा माया का पिताजी। तो अब माया के चेहरा पर भी अब आई चेहरा रौनक थे खुद देख ही सको जो ठीक है।